हेलो प्यारे बच्चों, यह है आपकी गणित की वर्कशीट संख्या 6, जो दिनांक 13/10/2020 को आपको करनी है। बेटा, आप सभी बच्चे वर्कशीट में सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। आज की आपकी वर्कशीट जो है वो है बेटा चैप्टर परिमेय संख्या की गुणा। अभी तक आपने परिमेय संख्या की जमा और घटा सीखी, आज हम परिमेय संख्या की गुणा सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का एक प्रतिफल है। गुणा क्या होता है? जब हम एक ही संख्या को बार बार जमा करते हैं, रिपीटेड एडिशन जिसको बोलते हैं बेटा, बार बार उसी संख्या को जमा करने पर गुणा किया जाता है। हमें पता है कि 4 × 3 = 12, तो हमें पता है कि चार कोई चीज़ अगर चार है, अगर चार 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 3 बार जमा किया जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? 12, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 इज बराबर है 12, या 4/1 × 3/1 = 12। अगर हमने बटा एक, बेटा इसको हम बटा एक भी लिख सकते हैं, तो 4/1 जब हमने लिखा, 3/1 3 को लिखा और 12/1 हमने 12 को लिखा भी समान है। यदि 4/1 × 4/1 × 4/1 तो एक सभी का हर एक है, तो यहाँ एक नीचे आ गया और 4 × 4 × 4 जो हमें उत्तर दे देता है बिल्कुल सही 12। आओ परिमेय संख्याओं के गुणा को समझें। मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। तो बेटा मेघा क्या करती है? 3/4 किलोग्राम मेघा जब 3/4 किलोग्राम जो घास है वो अपने हर गाय को खिलाती है, और उसके पास कुल 5 गायें हैं, और कुल कितनी गायें हैं उसके पास? 5। वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी? तो ये बताना है कि कुल कितना घास जो है वो सभी गायें मिलकर खाएंगी, उनको कितना घास खिलाएगी। तो अब देखिए, माना 1 किलोग्राम कितना है बेटा? 3/4 है, यानी कि 4 भाग हैं, ये एक है, चारों के चारों देखिए नीले कर दिए गए। अब 3/4 होगा तो इन 4 भागों में से 3 जो भाग हैं वो उसको कलर कर दिया गया। अब जब 3/4 किलोग्राम उसने एक गाय को दिया और 5 गाय को देना, तो बेटा उसके लिए देखिए, जब 5 गाय को देना है तो 3/4 × 5, तो 3/4 × 5 = आपने 3/4 को 5 बार लिखा, 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर अगर लिखेंगे 3/4 किलोग्राम × 5 गाय, यानी कि ये 5 बार आपने 3/4 लिखा, बराबर है 15/4। कैसे बेटा? ये देखिए, नीचे जो है आपके ये सब हर समान है, तो एक समान हर पे हर नीचे 4 आ जाएगा, और आप 3 को ऊपर जब 5 बार जमा करेंगे तो आपका 15 आएगा, 3×5=15। तो उसके बाद देखिए, 3/4 किलोग्राम × 5 = 15/4 किलोग्राम। परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है, बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना है। तो बेटा देखिए, परिमेय संख्याओं में क्या होता है? अंश को अंश से गुणा किया जाता है और हर को हर से गुणा किया जाता है। सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है, और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है। उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया ये बताना है। तो बेटा 1/2 घंटा वो रोज़ देती है, तो 1/2 इस तरह से हमने दिखाया 1/2, और प्रतिदिन वो 1/3 दिनों के लिए ऐसा करती है, तो क्या होगा? अब दिन के कितने हो जाएंगे? दिन का जब हम घंटों में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 × 1/3, तो 1/2 × 1/3 जब होगा तो बेटा 1 से 1 गुणा होगा तो उत्तर आएगा 1, 2 से जब 3 गुणा होगा तो बेटा 2 से जब 3 को गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 6, तो 1/6 घंटे। इस तरह से अब हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जो हमें हल करने हैं। इसमें सबसे पहला सवाल देखिए बेटा, एक इमारत है जिसकी ऊंचाई है 23/2 मीटर, और दूसरी इमारत है जो उसके बगल में है, उसकी ऊंचाई इस इमारत की ऊंचाई की 2/3 है, 2/3 भाग है। तो अब देखिए, दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ देखिए, पहली जो इमारत है उसकी ऊंचाई क्या बताई गई है? जो पहली इमारत है उसकी ऊंचाई हमें बताई गई है 23/2 मीटर,
इमारत की ऊंचाई, या पहले लिख सकते हैं पहली इमारत की ऊंचाई, तो पहली इमारत की ऊंचाई है हमारी 23/2। अब दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या होगी, दूसरी इमारत की ऊंचाई है 2/3, 23/2, 2/3 किसका है, 23/2 का। तो बेटा उसमें एक चीज़ आपको और सीखनी है, अगर एक ही संख्या नीचे ऊपर है, जैसे अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो उसको आप खुद ही भाग कर देंगे। बेटा देखिए, 2 से ऊपर भी भाग करेंगे, 2 से नीचे भी भाग करेंगे। जब आप ऊपर अंश में भी 2 से भाग करेंगे तो 2 2 = 2, और हर को भी 2 से भाग करेंगे तो 2 = 2। इसे आप इसका सरलतम रूप में बदल देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 23/1। अंश को अंश से गुणा कीजिए और हर को हर से गुणा कीजिए तो 3/1, तो उत्तर आएगा 23/3 मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न है जो हमें यहाँ पर करने हैं, अगले प्रश्न है आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं बेटा, कि आप रिक्त स्थान को डायरेक्ट भर दें, नहीं तो आप देखिए 7/5 × 5/7, तो आप देखिए 5 से 5 और 7 से 7 कट जाता है, तो आपके पास उत्तर आता है 1 × 1 = 1। अब ऐसे ही बेटा यहाँ देखिए 2/5 × 3/4, तो 2 को और 4 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ गया 1/5, और 3 और 5 और कोई भी संख्या इसमें कटती नहीं है, तो 3/2 यहाँ पर आपका जो 2 बचा वो यहाँ आ गया। तो यहाँ देखिए 1/5 बन गया, ये 1/5 × 3/2, तो 1 और 3 को गुणा करेंगे बेटा तो क्या उत्तर आएगा, 1 और 3 को जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 3, और 5/2, तो ये देखिए 1 को 3 से गुणा किया तो आपके पास उत्तर आया 3, और साइन आएगा आपके पास घटा का। और उसके बाद देखिए बेटा 5/2, तो 5/2 क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि आपको अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। अब देखिए कोई भी संख्या अगर 0 से बेटा मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है कि 0 से गुणा होने का अर्थ है कि वो 0 बन जाएगी। उसके बाद देखिए 1/2 × 1/3, तो बेटा घटा से घटा कट जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, अंश को अंश से और हर को हर से, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 × 3 = 6, तो ये आपका जो राशि नंबर है ये हो जाएगा 1/6। अब देखिए आपके पास जो अगले प्रश्न है बेटा, देखिए जब 10/20 है तो 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये काम सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन के साथ कर सकते हैं। जो बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसी से हम लोग को एक वर्डिंग मिलती है कि हम इसको नीचे और ऊपर डिवाइड करके कट कर सकें। अब देखिए 10/20, तो 10/20 में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/2 × 2/1। अब 2 से 2 जब घटे, 2 = 2, 2 = 2 दोनों कट गए, तो आपके पास क्या आया, 1/1 × 1/1 = 1। अब देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 6/7, ये हम 6/7 × 14/5, तो बेटा यहाँ पर क्या है, 7 से 14 घटता है 2, और 6 हमारे पास इसके बाद क्या स्टेप आ गया, 6/1 × 2 − 2/5, तो अब यहाँ देखिए अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे, तो 6 × 12 और 1 × −5 = −5, तो −5। अब इसके बाद देखिए बेटा साइन कभी भी माइनस का नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि हर में नहीं रहता है, तो आप उसको माइनस के साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का साइन नीचे नहीं रहेगा, 12/−5 नहीं रहेगा, इसको आप चेंज करेंगे −12/5। तो इस तरह से बेटा हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है, और आप सभी बच्चे ध्यान से इस काम को करेंगे, समय पर काम करेंगे, और किताब में भी जो आपके NCERT में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी रिलेटेड क्वेश्चंस की भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से बेटा बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।
और आप सभी बच्चे बेटा याद रखेंगे कि कोविड बिहेवियर हमें क्या बताया है, कि हमें कम से कम 6 फीट की दूरी या फिर 2 गज की दूरी रखनी है आपस में। साथ ही साथ बेटा किसी का आप ध्यान रखेंगे कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि मास्क का यूज़ करना, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है टू फाइट विद कोविड-19। एंड वी विल बी टुगेदर इन द स्कूल वेरी सून। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, बस हमें इसे कोविड को हराना है और इन चीज़ों को अपने बिहेवियर में डालना है। तो इसी तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।